नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं बोल स्काई। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला या भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष ये पर्व 23 जून को है। इस एकादशी का व्रत करने से 24 एकादशियों के व्रत के समान फल मिलता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से कई जन्मों के पापों का नाश होता है। सूर्योदय से ही व्रत का आरंभ कर देना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में ही श्री विष्णु सहस्त्र नाम से व्रत का आरंभ कीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करते रहिए। वास्तव में निर्जला व्रत यानी बिना जल के व्रत रहा जाए, फिर भी अपने स्वास्थ्य को देखते हुए फलाहार व्रत रख सकते हैं। उपवास का तात्पर्य है भगवान के साथ वास। इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए भगवान विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखते हुए हरि कीर्तन, हरि स्मरण और प्रत्येक पल भगवान के लिए ही जीना, यही व्रत का नियम है। यदि हमारा मन शुद्ध नहीं है तो पूजा पाठ सब बेकार है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन अर्थात मन में काम, क्रोध, मद और लोभ का स्थान ना हो और ना ही ईर्ष्या और द्वेष हो। व्रत का आरंभ सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक चलता है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी में किन उपायों से भगवान आप पर प्रसन्न होते हैं। निर्जला एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा करें। किसी भी स्थिति में पाप कर्म से बचें, अर्थात पाप न करें। माता पिता और गुरु का चरण स्पर्श करें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। श्री राम रक्ष स्त्रोत का पाठ करें। श्री रामचरित मानस के अरण्य कांड का पाठ करें। धार्मिक पुस्तक का दान करें। इससे आप पर विष्णु की कृपा बनी रहती है। ये महीना गर्मी का होता है, इसलिए प्याऊ की व्यवस्था करें। अपने घर की छत पे पानी से भरा पात्र अवश्य रखें। श्री कृष्ण की उपासना करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसके अलावा छात्र शिक्षा में सफलता के लिए भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का भी जाप करें। व्यवसाय में सफलता के लिए श्री सूक्त का पाठ करें। वृश्चिक, धनु और मकर राशि के जातक शनि की 7.5 से प्रभावी हैं, वो श्री सुंदर कांड का पाठ करें। कन्या राशि पे शनि की ढैया का जबरदस्त प्रभाव है, वे लोग रोगों से मुक्ति के लिए श्री हनुमान बाहुक का पाठ करें। इस तरह निर्जला एकादशी के दिन इन उपायों को करके आप पर श्री विष्णु की कृपा बनी रहेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम जल्द लौटेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बोल स्काई।